महापौर जयप्रकाश ने आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारियों को 2500 मास्क व 2500 आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया। इस अवसर पर नेता सदन योगेश वर्मा, शिक्षा समिति की अध्यक्षा गरिमा गुप्ता, सिविल लाइन्स वार्ड समिति के अध्यक्ष राजा इकबाल सिंह व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। महापौर ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है और आयुर्विज्ञान वह विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर की निरोग रखने से है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी सहायता करता है। हमारे निगम कर्मचारी दिन रात नागरिकों के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आर्थिक संकट के बावजूद नागरिकों के लिए दिन रात कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार का हर प्रकार से सहयोग किया, मगर दिल्ली सरकार ने निगम को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने निगम का बकाया फंड नहीं दिया है, जिसके बाद भी निगम अपने कर्मचारियों को हर संभव सुरक्षा उपलब्ध करवा रही है। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए शाम तक।